अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात में सस्पेंस और सावधानी का एक साथ माहौल बना हुआ है। तूफान और गुजरात तट के करीब पहुंच चुका है, 800 किलोमीटर दूर हालांकि अभी बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 32 घंटे में तटीय इलाकों में इसके प्रभाव के बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। सूरत में दुम्मस और सुवाली बीच को 10 जून से 13 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है एहतियातन। वहीं तटीय इलाकों पर हर हालात पर निपटने के लिए पूरी की पूरी टीम तैयार है। गुजरात के समुद्री तटों पर मानो तूफान के आने से पहले की शांति पसरी है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा से लेकर दक्षिण के सूरत तक समंदर किनारे इतनी शांति जल्दी नहीं दिखती। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, ना मछुआरों का शोर है, ना आती जाती नावों की हलचल। इक्का दुक्का लोग आते जाते दिख रहे हैं, यहाँ तक कि समंदर की लहरें भी शांत पड़ी हैं। बिपरजॉय नाम से समुद्री चक्रवात आने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। 9 और 10 तारीख को गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों से टकराने की बात थी, लेकिन फिलहाल हम जो खड़े हैं सूरत का जो डुम्बस बीच है, यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आम दिनों में जिस तरह से पब्लिक सैलानी यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, वो सभी सामान्य चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, जो सामान्य दिनों में यहाँ पर व्हीकल वगैरह चलाते हैं, जिस तरह से बीच का एक आनंद लेते हैं, तो सारी तस्वीरें जो है नॉर्मल डे में जिस तरह से होती हैं, तो वो तस्वीरें बता रही हैं कि जो चक्रवात है उसका कोई भी असर यहाँ डुम्बस बीच पर नहीं नजर आ रहा है। प्रशासन ने किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और डुम्बस जो सामान्य दिनों में जिस तरह से यहाँ पब्लिक के लिए खुला होता है, तो उसी तरह से नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस के जवान और जो आप देखेंगे वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं, उन्होंने एहतियात के तौर पर यहाँ पे तैनाती की गई है। लेकिन यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर अरब सागर में सब कुछ इससे उल्टा है। यहाँ समंदर में बना चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 32 घंटों में बिपरजॉय और भी भयानक रूप ले सकता है। तूफान अभी पोरबंदर से 830 किलोमीटर दूर है, लेकिन गुजरात में तेज हवा और बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों में गुजरात की कई जगहों में बारिश हो सकती है। जो हवा अभी 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, उसकी रफ्तार 10 जून के बाद 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 14 जून को गुजरात तट से तूफान की दूरी करीब 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम अरब सागर में होगी। मौसम विभाग की मछुआरों के लिए समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी अभी भी बरकरार है। इस बीच इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड यानी ISPL ने 12 जून से अपने फेरी ऑपरेशन को भी सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अगले 5 दिन में पूरा गुजरात में कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है, यानी अगले 24 आवर्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है। साउथ गुजरात रीजन इवन सौराष्ट्र कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ में हो सकता है, और कल से साउथ गुजरात रीजन में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में रेन हो सकता है, स्कैटर्ड प्लेसेस में इवन कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, परसों से मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है लाइट टू मॉडरेट रेन का साथ साथ। और अगले 5 दिन में गुजरात नॉर्थ एंड साउथ गुजरात कोस्ट अर्जेनिक नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में फिशरमैन के लिए वार्निंग रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उठे बिपरजॉय तूफान के धीरे धीरे कमजोर पड़ने की भी संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात तट की ओर इसके आने की संभावना भी कमजोर हो सकती है। उत्तर पश्चिम की ओर अगर गया तो पाकिस्तान ईरान और ओमान तक तूफान का असर दिख सकता है, लेकिन अभी बिपरजॉय को लेकर कुछ भी पक्का अनुमान लगाना कठिन है। और तब तक गोवा से गुजरात के समुद्र तट तक अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो। भागलपुर में गंगा पर निर्माणाधीन पुल गिरने की सूरत की चिंता बढ़ चुकी है। सूरत में मेट्रो रेल के निर्माण की जिम्मेदारी उसी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई है जिसे भागलपुर में गंगा पुल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब से गंगा पुल के धराशायी होने की खबर आई है गुजरात में इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स की जाँच की मांग उठाई जा रही है।
भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा भ्रष्टाचार का पुल क्या धराशायी हुआ, गुजरात तक इसकी धमक पहुंच गई, द्वारका से सूरत तक खलबली मची है। पुल गिरा 2000 किलोमीटर दूर बिहार में और चिंता की लहर फैल गई गुजरात में। दरअसल चिंता की वजह है वो कंपनी जो भागलपुर में 1717 करोड़ का केबल ब्रिज बना रही थी, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके पास भागलपुर में पुल बनाने की जिम्मेदारी थी, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उस कंपनी के पास गुजरात में भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन और इसकी दो सहयोगी कंपनियों के ऊपर सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा ब्रिज धराशाही हो गया तो गुजरात के लोगों की चिंता होने लगी, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट हैं जहां एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। सूरत में भी जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की भागीदारी, और हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि यहां पर जो मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है इसमें एसपी सिंगला कंपनी की भागीदारी है, और उसके साथ साथ और भी जो कंपनी है वो इसमें काम कर रही हैं। जैसे कि हम यहां जो लिखा हुआ आप दिखा सकते हैं कि संभाव इंजीनियरिंग लिमिटेड है, और उसके बाद लिखा हुआ है SPSCPL यानी कि एसपी सिंगला कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, बीच में उसका नाम लिखा हुआ, और तीसरा जो नाम है जीवी पटेल इंफ्रा लिमिटेड। मतलब ये जो तीन कंपनी है, ये तीन कंपनी मिल कर के 11.6 किलोमीटर का जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर रही हैं। और ये भटार इलाके की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्रवाई चल रही है, कामगिरी चल रही है। और सूरत का जो कादर साकी नाल जो इलाका है वहाँ से लेकर के ड्रीम सिटी जो प्रोजेक्ट है, तो 11.6 किलोमीटर का ये जो ठेका है एसपी सिंगला कंपनी और उसके साथ की दो कंपनियों को दिया गया है। गुजरात के सूरत शहर में मेट्रो रेल परियोजना का काम चल रहा है। एसपी सिंगला कंपनी के पास सूरत शहर के कादर शाह की नाल से लेकर खजूर ड्रीम सिटी तक करीबन 11.6 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना के तहत काम करने का ठेका है। करीबन 11.3 किलोमीटर के परियोजना निर्माण कार्य के लिए एसपी सिंगला कंपनी के साथ साथ दो अन्य कंपनी भी ठेके में शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के भागलपुर में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की पोल खुली है, गंगा नदी पर बन रहा पुल भ्रष्टाचार का पुल साबित हुआ है, उसे देखते हुए सूरत के लोग भी चिंता में हैं। देखो 1700 करोड़ की लागत से अगर हमारे टैक्स से जो ब्रिज बन रहा है और वो धराशायी हो जाता है तो वाकई में चिंता वाली बात है। और खासकर सूरत जो शहर है उसमें जो मेट्रो हमारी सुविधा के लिए आ रही है, लेकिन उनमें भागीदारी उस कंपनी की है तो हमें चिंता होगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग इसकी चकासनी करें और ये काम मजबूती से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी पूरी व्यवस्था के साथ काम हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वीक अगर काम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी सुरतियों के लिए ये चिंता का विषय है। जो अपने खून पसीना पैसा कमाते हैं और भारत सरकार को या राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, और वो टैक्स से उनका गंगा नदी में पानी की तरह बह रहा, वही सूरत शहर में ना हो, इसके लिए यहाँ की नागरिक चिंता जरूर है। यहाँ के प्रशासन, जो यहाँ की महानगर पालिका, जो इसके देख रेख करने वाले इंजीनियर हैं या अन्य कोई व्यवस्था लगाई गई है, उनका समय न समय जो पिलर खड़े हो रहे हैं या जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं या जो सरिया उपयोग हो रही, सीमेंट उपयोग हो रही है, उसका जरूर उनको बारम्बार ध्यान देना चाहिए। दरअसल गुजरात में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कई परियोजनाएं हैं। गुजरात में ओखा बे द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, जिसकी अनुमानित लागत 962 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना दभोई सिनोर मलसर एस रोड नर्मदा रिवर ब्रिज, जिसकी लंबाई 900 मीटर और परियोजना लागत 165 करोड़ रुपए है। पुलों के अलावा एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सूरत मेट्रो के पहले चरण के निर्माण के तहत 11.6 किलोमीटर एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चुना है। भागलपुर पुल हादसे की जांच का आदेश तो दिया ही गया है, लेकिन गुजरात में कंपनी की तमाम परियोजनाओं की जांच की मांग भी उठने लगी है। उम्मीद है कि गुजरात सरकार भागलपुर हादसे से सबक लेगी। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
पिछले साल गुजरात में मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे को लेकर अब बड़ी खबर आ गई है। मोरबी केबल ब्रिज हादसे में दो आरोपी मनसुख पटेल और महादेवी सोलंकी को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों ही आरोपी मोरबी ब्रिज पर टिकट बेचने का काम किया करते थे। हादसे के वक्त तय क्षमता से ज्यादा लोगों को टिकट्स दे दी गई थी। जिस पुल की क्षमता 150 व्यक्तियों की थी, उस पुल पर जाने के लिए उस वक्त 500 लोगों को टिकट दे दिया गया था। पुलिस ने दोनों पर ही लापरवाही का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी केबल ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी मच्छू नदी में डूब जाने की वजह से। मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए बीजेपी अभी से जी जान से जुट चुकी है। गुजरात में इस मिशन की कमान खुद गृहमंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं, जो शनिवार को गुजरात के पाटन में जनसभा से अभियान की शुरुआत करेंगे। कल से ही बीजेपी का पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान शुरू हो जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। ये चार तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बीजेपी ने 2024 का शंखनाद कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ मोदी शाह के जन्म और कर्म भूमि गुजरात से। 2024 के महासंग्राम में एक तरफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अकेले ही सबको चित्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया है और इसी के प्रचार के साथ साथ 2024 की नींव मजबूत करने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी कड़ी में शनिवार को पाटन आ रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे के साथ ही गुजरात में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अमित शाह जनसभा के जरिए केंद्र सरकार की कामयाबी को जनता तक पहुंचाएंगे। अमित शाह के बाद अगला मोर्चा संभालने जेपी नड्डा गुजरात आएंगे। आने वाले हफ्ते में जेपी नड्डा गुजरात की जनता में मोदी नाम का बिगुल फूंकने का काम करेंगे। लोकसभा की सीटों के हिसाब से गुजरात बीजेपी के लिए काफी अहम है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। गुजरात बीजेपी के मुखिया सीआर पाटिल तो दावा करते हैं कि इस बार केंद्र में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने वाली है। इसके साथ ही गुजरात में लोकसभा की सीटों पर न सिर्फ बीजेपी का कब्जा होगा बल्कि जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होगा। विपक्ष પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે લડતા, ક્યારેય દેશ માટે કે લોકો માટે કંઈ કરી છૂટવાની ભાવના એમનામાં નથી। ફક્ત સત્તા પ્રાપ્ત કરવી, એના દ્વારા લોકોનું શોષણ કરવું એવી ભાવના સાથે જ્યારે એ ચાલતા હોય છે, એના જ કારણે આખા દેશના લોકો એમને નકાર્યા છે। અને એટલે હકલથી પણ કોઈ ફરક પડવો નથી અને ભેગા પણ થશે તો દેશના કોઈ લોકો એને સ્વીકારવાના નથી। આ વખતે 2024ના લોકસભા ઇલેક્શનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં 400થી વધુ સીટો સાથે આ ઇલેક્શન જીતશે એવો મને વિશ્વાસ છે। અભી દો દિન પહેલે બીજેપી સાંસદ ઓર પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધન ભી કેન્દ્ર સરકાર કી ઉપલબ્ધિયાં ગિનાને સુરત પહોંચે થે, જહાં ઉન્હોને યે દાવા કિયા થા કે પીએમ મોદી પૂરી દુનિયા કે બડે નેતાઓ કી ડાર્લિંગ બન ગયે હૈ, યાની પીએમ મોદી કા ડંકા પૂરી દુનિયા મે બજ રહા હૈ। हमने कभी नहीं सुना था कि सऊदी अरेबिया जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपने जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो उनको कभी देता हो। इंडिया से मुझे 2-3 लोगों के बारे में सोचना हो तो मैं स्वामी विवेकानंद का सोच सकता हूँ, मैं महात्मा गांधी के बारे में सोच सकता हूँ, वो फादर ऑफ द नेशन के रूप में उनको इंटरनेशनली भी कितनी यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली है। और वही चीज जो है आज हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है कि वो सारे दुनिया के लीडर्स की एक प्रकार से डार्लिंग बन गए। इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नर्मदा दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की थी और मोदी सरकार के कामकाज का बखान किया था। भारत में जो आज जो चेंज जो परिवर्तन जो हो रहा है ये दुनिया देख रही है, ये हमारा फर्ज है उनको माने पूरा समझाएं भी। और जो भारत का जो ह्यूमन रिसोर्सेस जो है ये दुनिया के लिए इसकी महत्व जो है अब पूरी दुनिया पहचानती है। और तो ये नहीं समझे कि डिप्लोमेसी और घर में जो होता है वो अलग अलग बातें हैं, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। गुजरात की जनता पीएम मोदी पर शुरुआत से ही प्यार लुटाती आ रही है।
यही वजह है कि मोदी कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री गुजरात में जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, ताकि 2024 में भी बीजेपी को पहले वाला प्यार और आशीर्वाद मिल सके। आज तक ब्यूरो। गुजरात में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की खबरें अक्सर ही आती रहती हैं, लेकिन इस बार तो बच्चों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया गया है। नवसारी में चिखली तहसील के पीपल गभड़ गांव में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को परोसे गए भोजन में छिपकली निकली है। जी हाँ, बच्चों को यहाँ खाने के लिए भात डाल दिया गया था। जब थाली में भात के ऊपर दाल डाली गई तो उसमें छिपकली दिखाई दी। खाने में छिपकली मिलने के बाद हड़कंप समझ गया, बच्चों को भूखे ही घर जाना पड़ा। दरअसल गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से ही स्कूल में मिड डे मील बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी जगह पर मिड डे मील बनाने और स्कूलों में बांटने का ठेका नायक फाउंडेशन को दे दिया गया था और इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था। वंसदा के विधायक अनंत पटेल ने नायक फाउंडेशन के द्वारा तैयार मील की क्वालिटी पर सवाल भी उठाए थे। खाने में कई बार कीड़े निकलने की शिकायतें भी आई हैं, लेकिन कभी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नवसारी की इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को किसी कार्रवाई का भरोसा नहीं। सूरत से एक दिल को दहलाने वाली खबर है। यहाँ पर एक डायमंड कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी की कोशिश की है। इस घटना में उसकी पत्नी, बेटे और बेटी की मौत हो गई है, जबकि डायमंड वर्कर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस पीड़ित परिवार के खाने के साथ जहर खाने की बात कह रही है। हीरा कारखाने में मंदी के चलते कर्मचारियों की छटनी हुई थी। इसके कारण 55 साल के दीनू भाई मुरवड़िया का परिवार आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर में मौजूद जिस प्राइमरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की थी, उसे प्रेरणा स्थल के तौर पर विकसित किया गया है, जहां देश भर के बच्चे जा सकेंगे। प्रेरणा परियोजना के तहत तैयार किए गए स्कूल का मकसद है युवाओं को बदलाव लाने की प्रेरणा देना। गुजरात का वडनगर देश के मानचित्र पर एक छोटा सा गांव, जहां बसती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की यादें। राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी वडनगर में मिली प्राथमिक शिक्षा की सौगात नहीं भूले। यही वजह है कि अब सौगात लेने की बारी वडनगर की है और इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। पीएम मोदी का ये पुराना स्कूल अब देश भर में सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल बनने की राह पर है। प्रेरणा परियोजना की मदद से इस स्कूल को एक नई पहचान दी जा रही है। स्कूल के विकास की खबर से आसपास के लोगों के साथ यहां के अध्यापक और कर्मचारियों में खासा उत्साह है। उन्हें जहां पीएम मोदी के स्कूल से जुड़े होने का गर्व है, वहीं उनके चेहरों पर अपने स्कूल की बदलती तस्वीर को देखकर एक अलग ही मुस्कान है। पढ़ रहे उसको भी एक गर्व है कि हम मोदी साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल में हम पढ़ते हैं। नई स्कूल जो प्रेरणा धाम बन रही है, हाल प्रोसेस में है और जब वो बन जाएगी तब एक वडनगर गांव की तो ठीक है, लेकिन एक गुजरात की शान होगी। 19वीं शताब्दी के अंत में बने वडनगर के इस विद्यालय का सौंदर्यकरण भी बड़े खास तरीके से किया जा रहा है। स्कूल के पुराने वैभव को बनाए रखते हुए आधुनिकता से जोड़ने की कवायद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी पूरी मदद की। इसके लिए पुरानी स्थापत्य शैली का भी पूरा ख्याल रखा गया है। वडनगर का विकास आज जोर शोर से हो रहा है। वडनगर को एक हेरिटेज सिटी में लिया है और वडनगर में जो जो भी प्राचीन जो जगह है वो की भी विकास हो रहा है। वडनगर को गुजरात के छोटे से गांव से बदलकर अब वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस की पहचान देने की तैयारी की जा रही है। ये पहल है देश के पुराने स्कूलों की दशा और शिक्षा की दिशा बदलने की। इस योजना से जहां वडनगर को एक अलग पहचान मिलेगी, वहीं देश के कई स्कूलों को एक नई दिशा भी मिलेगी।